अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। रोज की तरह नया जॉब अपडेट करूँगा आज। और आज का जो जॉब होगा वो ओमान का है और इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है। इस कंपनी का नाम है बुर्ज ओमान। इसमें प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, मेसन, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर और हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। जो फ्रेशर बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर बोले तो जो पहला टाइम अभी इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए जाना चाह रहे हैं वो भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अच्छे से वीडियो समझ लेना, देख लेना। यहाँ से नंबर लेके व्हाट्सअप व्हाट्सअप आके खेलते रहोगे तो आपको जो चीज़ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ यही फिर मेरे को व्हाट्सअप पे बताना पड़ेगा। तो एक एक बंदे को बताने के लिए बहुत सारा टाइम चले जाता है कि रिप्लाई पर टाइम पर नहीं कर पाता हूँ। और इस चीज़ आप यहीं पर देख लोगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। मैंने होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट रेडी करके इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना और जैसे जैसा बताऊंगा उस हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। फिर जो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर देने वाला हूँ उस व्हाट्सअप पे आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। आपका डॉक्यूमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट सही रहेगा, सर्विस चार्ज बता दिया जाएगा कि टोटल खर्चा कितना लगेगा जाने के लिए। अगर आप ओके बोलते हो तो आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो जाएगा। कोई पेमेंट एडवांस नहीं चाहिए, वीजा कंपनी एकदम रेडी है। डॉक्यूमेंट आएगा, मेडिकल करोगे, सिलेक्शन होने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको नियर बाय कहाँ आपके लिए नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन मेडिकल है ओमान का भी, तो वहाँ से आप मेडिकल करके वैसे वही हिसाब से बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट आपका अपना जमा करा देना, ठीक है। तो इसके अंदर ड्यूटी क्या होगा, सैलरी क्या होगा, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप ज़रा भी नहीं करना, पूरा अच्छे से समझ लेना। 5-6 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओमान की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है बुर्ज ओमान LLC, ठीक है। इसको चाहिए हाउस इलेक्ट्रीशियन, यानी जो अपना बिल्डिंग का इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। इलेक्ट्रीशियन दो होते हैं, एक होता है ऑटो इलेक्ट्रीशियन। ऑटो बोले तो जो गाड़ी, फोर व्हीलर, ट्रक, कार, इसका जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है उसको ऑटो इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। और जो बिल्डिंग का, घर का, ये सब जो इलेक्ट्रीशियन करता है उसको हाउस इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्डिंग का इलेक्ट्रीशियन चाहिए जो हाउस इलेक्ट्रीशियन होता है। अब बहुत से ये भी पूछते हैं यार कि भाई मैं तो कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम में जाऊँगा, हाउस के इलेक्ट्रीशियन में नहीं जाऊंगा। अब कंपनी में जो इलेक्ट्रीशियन जाते हैं वो क्या कंपनी का कोई इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं करता है? कंपनी ही जो बिल्डिंग बनाती है, जो भी करती है, वो कंपनी में ही, कंपनी को ही मतलब काम मिलता है। जैसा अभी मेरा ज़मीन है, मैं यहाँ पे बनवाना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कंपनी को ही दूंगा ना, तो कंपनी अपना वर्कर डालेगा, वो सारा चीज़ काम कराएगा, तो कंपनी ही है। तो मतलब वो जो हाउस इलेक्ट्रीशियन है उसको बोलते हैं हाउस इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। तो हाउस इलेक्ट्रीशियन चाहिए 40 बंदे, जिसमें सैलरी है 90 ओमानी रियाल, ओमान का ओमानी रियाल 90 रियाल है, प्लस खाना भी है तीनों टाइम। उसके बाद प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर का भी सैलरी 90 ओमानी रियाल प्लस खाना है। इसमें एसी टेक्नीशियन चाहिए, एसी टेक्नीशियन का भी सैलरी है 90 ओमानी रियाल प्लस खाना। उसके बाद में मेसन चाहिए, मेसन का सैलरी है 80 प्लस खाना, ठीक है। और शटरिंग कारपेंटर चाहिए, शटरिंग कारपेंटर का सैलरी है 80 प्लस खाना। उसके बाद स्टील फिक्सर चाहिए, स्टील फिक्सर का सैलरी है 80 ओमानी रियाल प्लस खाना, ठीक है। और उसके बाद में है हेल्पर, हेल्पर का सैलरी है 65 ओमानी रियाल प्लस खाना। इतना सारा कैटेगरी है और इसमें ड्यूटी होगा खाली 8 घंटा। 8 घंटे के बाद में 3 से 4 घंटा ओवर टाइम है, ठीक है। अगर आप 12 घंटा या 10 घंटा ड्यूटी करते हो तो 8 घंटे के बाद जो आपका ओवर टाइम होगा उसको 1 घंटे के हिसाब से, यानी 1 घंटा अगर ओवर टाइम लगता है तो कंपनी 1.5 घंटे का पैसा देता है। तो इसमें सैलरी अच्छा खासा उठेगा। देखो, बाहर जो भी जाते हैं या इंडिया में ही काम करते हैं, अगर 8 घंटा ड्यूटी करता है तो उनको पता होता है कि कंपलसरी ओवर टाइम लगेगा। और 3-4 घंटा अगर ओवर टाइम कर लेते हैं तो उनका सैलरी 160-170 ओमानी रियाल उठेगा। और मेन होता है बाहर खाने वाने में थोड़ा पैसा चले जाता है ज़्यादा, लेकिन खाना आपको तीनों टाइम, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, ये कंपनी देने वाली है। वहाँ पे जो आईडी कार्ड बनता है आईडी कार्ड भी कंपनी बनाएगी। और उसके बाद में जो इंश्योरेंस और मेडिकल, ये सारा जो चीज़ होता है सब मतलब जो A to Z फैसिलिटी है सब कंपनी देने वाली है ये। और हफ्ते के अंदर एक छुट्टी आपको मिलेगा, छुट्टी दिन अगर आप काम करते हो तो उसका अलग से आपको ओवर टाइम आएगा। और उसके बाद में अगर आप 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल पे छुट्टी जब आओगे इंडिया तो आपको आने और जाने का दोनों साइड का कंपनी की तरफ से टिकट दिया जाएगा। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए खाली इंडियन पासपोर्ट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास में जो इंडियन नेशनलिटी हो उसके पास इंडिया का पासपोर्ट हो और इंडिया में अभी बैठा हो, ठीक है, और बाहर सोच रहा है जाने के लिए, तो ये उसके लिए जॉब है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कहीं से, आप गल्फ से कहीं से भी रिटर्न हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर इतने सैलरी में आपको जाना है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है अभी डॉक्यूमेंट जो मैं बताने वाला हूँ,
इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो फ्रेशर है। अगर रिटर्न हो आप कहीं गल्फ से कोई भी कंट्री से रिटर्न हो, और जो भी ट्रेड है आपका, चाहे मेसन एसिटिक्सन हेल्पर जो भी है, तो आप जो भी कंपनी में काम करें उसका अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो आपको टेस्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर फ्रेश हो, फर्स्ट टाइम जाना चाह रहे हो, फ्रेश बोले तो यानी इंडिया से बाहर जॉब के लिए भी पहला टाइम जा रहे हो, ये नहीं कि काम ही नहीं करे हुए हो। बहुत से समझते हैं फ्रेश मतलब अभी मैं एसी टेक्नीशियन काम नहीं किया हूँ तो मैं एसी टेक्नीशियन में कैसे जाऊँगा। यानी इंडिया में तुम काम कर रहे हो, अच्छे कारीगर हो, पहले टाइम में बाहर इंडिया से बाहर जाना चाह रहे हो, उसको फ्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप जाना चाह रहे हो तो इसके अंदर पहला तो आपको टेस्ट सर्टिफिकेट, मैं हर वीडियो में इसकी वजह से बताता रहता हूँ कि भाई आप अगर एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फर्नीचर या और कोई भी ट्रेड वाले टेक्नीशियन बंदे हो तो जॉब सर्च कर रहे हो, तो पहला फर्स्ट यही करो कि आप जहाँ पे भी हो पहले टेस्ट मार लो। क्योंकि जॉब अभी आया और आप टेस्ट मारते मारते आपको एक महीना हो गया लगा दिए, तो जॉब इतना रुकता नहीं है। बहुत से आदमी जो इंटरेस्ट लेते हैं जाने के लिए बाहर के, हाँ मुझे जॉब की नीड है, मतलब टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पहले रेडी करके रखता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे एजेंसी से ही आप लोग जाओ, कहीं से भी आप जाओगे तो आपको टेस्ट सर्टिफिकेट लगता है और आपके पास वो रहेगा, तो कभी भी अगर जॉब आता है तो तुरंत आप उस जॉब मतलब जॉब को प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसमें पहले क्या करना है आपको, आप अगर दिल्ली में हो या मुंबई, लखनऊ, गोरखपुर, यहाँ कहीं से भी अगर आप नज़दीक है तो आप गूगल करो। अगर आपका लखनऊ, मुंबई, गोरखपुर नज़दीक है, यहाँ टेस्ट मारना है, तो आप गूगल करो आयशा ट्रेनिंग सेंटर, तो गूगल पे आ जाएगा। मतलब लिखो लखनऊ या मुंबई या जहाँ पे भी नज़दीक है, तो उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, वहाँ पे बात करो कि मैं इस काम में जाना चाह रहा हूँ और इसका मैं टेस्ट मारना हो, तो कितना कितना बजे खुला होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ लाना होता है। तो वहाँ पे आप जाओ, पासपोर्ट का कॉपी लगता है और पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो, और वहाँ का फीस है 600-700 रुपया। वो लोग जाओगे तो काम हम करा के देखेगा, उसके बाद एक सर्टिफिकेट दे देगा। ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में जुलियाना रेफरेंस कॉलोनी में ABC ट्रेनिंग सेंटर है। आप गूगल कर लोगे कि ABC ट्रेनिंग सेंटर इन दिल्ली, तो सारा डिटेल आ जाएगा। तो आप वहाँ पर भी बात करके जाके टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। हेल्पर के टेस्ट नहीं चाहिए, बाकी टेक्नीशियन जो बंदे हैं, जो कारीगर होते हैं, उनका टेस्ट जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी टेस्ट मार के रखे हो तो आपका जल्दी ये जॉब को प्रोसेस कर सकते हो। तो अब अगर पहले टेस्ट मारना है, टेस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या आप जल्दी से जल्दी टेस्ट मार लेते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है, सारा डॉक्यूमेंट ले लेना है, पासपोर्ट, टेस्ट सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट। ये कोई कंप्यूटर दुकान पर जाओ जहाँ फ़ोटो कॉपी करते हैं, वहाँ से स्कैन करा लो पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, टेस्ट सर्टिफिकेट और वैक्सीन का रिपोर्ट, और वहाँ से एक CV बनवा लो। उन लोग को बताओगे कि मुझे रिज्यूम चाहिए, जो बायो डाटा बोलते हैं, इस काम का मैं कारीगर हूँ और इसमें मैं जॉब अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे बायो डाटा चाहिए। तो वो लोग बना के दे देगा, पूछेगा कितना किस काम का बनाना है। तो आप जैसे एसी टेक्नीशियन को हो या मेसन हो या प्लम्बर हो, तो बता दो मैं इस चीज़ का कारीगर हूँ और उसमें मैं जाना चाह रहा हूँ। तो लोग काम कितने साल से काम वाम करते हो, लोग पूछेगा, उस हिसाब से आपका एक CV बना के दे देगा। तो आप CV बनवाओ पहले, उसके बाद पासपोर्ट फर्स्ट क्लास पर स्कैन कराओ और वैक्सीन का रिपोर्ट, आईसेट, अपना टेस्ट सर्टिफिकेट, फोटो, ये स्कैन करके एक PDF फॉर्मेट बना लो और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ जो यहाँ पे नंबर है नंबर को सेव कर लो। फिर डॉक्यूमेंट जब आपका रेडी हो जाए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ और मैं ये वीडियो देखा हूँ, ये जो वैकेंसी सेंड कर रहा हूँ इसमें मैं जॉब को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आपका डॉक्यूमेंट क्लियर रहेगा तो सर्विस चार्ज बता दिया जाएगा। अगर आप ओके बोलते हो, हाँ इतना मैं सर्विस चार्ज पे कर सकता हूँ, तो फिर आपका जॉब प्रोसेस कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मेडिकल करके आपको पासपोर्ट कहाँ जमा करना होगा, क्या करना है, ये आपका सिलेक्शन के बाद में खुद ही बता दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको नज़दीक पड़ेगा, कहीं आना जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट हो तो पहले जाके जैसे सब बोलो वो हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद में फिर आप कॉन्टेक्ट करिए। अगर आप दूसरा कोई जॉब सर्च करो तो पुराना वीडियो भी जाके देख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और यूट्यूब पे जब भी आओ तो कम्युनिटी वाला पेज मेरे चैनल का जरूर चेक किया करो। वहाँ पे मैं डिमांड लेटर भी डालता रहता हूँ, इस वीडियो को भी डिमांड लेटर आपको कम्युनिटी वाले पेज में मिल जाएगा। जो चैनल पे क्लिक करोगे तो मेनू में आता है होम, कम्युनिटी पेज, वीडियो, ऐसा तो कम्युनिटी वाला पेज चेक करोगे तो वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। और अगर आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टेलीग्राम ये सब यूज करते हो, फेसबुक, तो इसका सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अबाउट वाले पेज में भी मिल जाएगा। क्लिक करके वहाँ पे फॉलो सब्सक्राइब कर लो, कभी भी आप जब टाइम मिले फ्री रहो तो टाइम ओपन करके वैकेंसी चेक कर लिया करो, ठीक है। और कुछ पूछना है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा लाइक करना और व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।